आपका क्लियर होगा। अब ये क्लियर है, बी लेस देन जीरो आ गया। अब हमने किसको चेक करना है, सी को। अब सी के लिए थर्ड कंडीशन मुझे क्या गिवन है, ये ठीक है, ये पॉइंट पी जो है लाई कर रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे, तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y ले लें। अब यहां पे आओ, अब क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा जीरो है तो हम इट मींस यहाँ पे इसको अगर जीरो पुट करें तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सी, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ सी। क्या आएगा यहाँ पे, इसको जीरो पुट करोगे तो सी रह जाएगा अकेला। अब सी जो है दैट इज लाइंग ऑन विच साइड, पॉजिटिव साइड, इट मींस सी की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन जी। तो ये सिर्फ जो है अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है आपका, नथिंग एल्स। तो कौन सी ऑप्शन बनी, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, हमें ये जो है ग्राफ गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर टू चेक इफ ए बी एंड सी दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, किस कॉम्बिनेशन में वो पॉजिटिव नेगेटिव है। पैराबोला अगर डाउनवर्ड होता है तो एवरी टाइम यू हैव ए लेस देन जीरो। अगर आपका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ मुंह खुला होता है, देन ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया मेरे पास कि ए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है दैट इज लेस देन जीरो। अब मुझे बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। बी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले वर्टेक्स को चेक किया, वर्टेक्स जो है दैट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, व्हेन बी विल बी लेस देन जीरो, क्योंकि ए ऑलरेडी नेगेटिव है, दो नेगेटिव साइंस कैंसिल होके विल गिव अस द पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल ये नेगेटिव होने के लिए अगेन बी शुड बी लेस देन जीरो। उसके बाद जो पॉइंट पी है दैट लाइज ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें हमारा x जो है दैट इज जीरो, x कोऑर्डिनेट जीरो है, तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट बनेगा वो दैट विल गिव अस दिस वैल्यू ऑफ c, तो क्योंकि ये जो है पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो c जो है दैट विल बी पॉजिटिव, तो c विल बी ग्रेटर देन जीरो। सो ऑप्शन b जो है दैट विल बी योर आंसर। लास्ट वाला क्लियर है, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं। एफ ऑफ एक्स क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू सी आ गया, जब आपने एक्स को जीरो पुट किया तो ये पॉइंट जीरो कॉमा सी बन गया, जीरो कॉमा सी बना, तो दिस इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो सी विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटर्मिंड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए है इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, ऑप्शन बी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कल भी किया था ये हमने। अगर गिवन नहीं होता तो हम एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं, तो इंटरसेक्ट्स हाँ एक्स नहीं इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज करेक्ट। पी ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे मिलेंगे हमें, कितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर नहीं गिवन तो एक्स वाला ही लेके चलोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, इफ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस इन वन पॉइंट, देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू। अब आपको ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ वाई नहीं गिवन है, तो पी ऑफ एक्स वाला लेके चल रहे हैं आप। ठीक है, अब जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स का, ग्राफ जो है पी ऑफ एक्स का जो वो कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट करता है, तो वो हमें नंबर ऑफ जीरोस देता है। अब उसने कहा कि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, दैट इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, दैट विल बी जीरो। Now the next question, the parabola representing a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, same polynomial hai, it opens upward when a is greater than 0, a is less than 0, a is equal to 0, a is greater than 1, kya aega, a greater than 0, same way mein parabola representing this opens downward when a is less than 0,
इफ द पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम इस पे चल रहे हैं ये, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल विल हैव डैश जीरोस. टू पॉइंट से कट कर रहे हैं तो इट विल हैव टू जीरोस. अब ये अगला ध्यान से करना, ये फिर से अलग टाइप आ गई है आपकी. तो नेक्स्ट हमें गिवन है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156. हमें बताना है दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, ऑप्शन है ए बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन बी बोथ नेगेटिव, ऑप्शन सी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. एंड ऑप्शन डी जो है कांट बी डिटरमिन्ड. अब देखो जीरोस मैं अगर इसके मान लेती हूं अल्फा बीटा है तो व्हाट विल बी द सम ऑफ जीरोस एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, अब whenever the product is positive, it means either both numbers are negative or both numbers are positive. एक positive एक negative पे कभी भी product आपका positive नहीं होता. तो alpha और beta का sign same होगा, या तो दोनों positive होंगे या दोनों negative होंगे. यहां से हमें ये पता लग गया both are having the same sign. अब sum of इस पे आ जाओ. Sum हमें क्या given है? Minus. Sign दोनों का same होने, sign दोनों का same और sum negative कब होगा? यहां से मैंने क्या कहा, बोथ हैव सेम साइन, तो साइंस इनके डिफरेंट हो ही नहीं सकते. या होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दो होंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे. अब सम नेगेटिव कब होगा? क्योंकि साइन दोनों के सेम रखने हैं. सम नेगेटिव कब होगा? जब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे. तो व्हाट ऑप्शन विल बी योर आंसर? बोथ नेगेटिव. गॉट इट? इसी तरह का नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका. यहाँ चेंज हो गया, दिस इज 99x एंड दिस इज 127. सेम ऑप्शन है. सम क्या हो गया अब? माइनस 99. प्रोडक्ट अगेन, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव तो क्या होगा? बोथ नेगेटिव. और यहां अगर माइनस 99 आ जाते हैं, सम पॉजिटिव हो गया, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव. तो इस तरीके से इसके केसेस यू कैन सी कि कौन से बन रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है. इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 आर 3 एंड माइनस 3, देन इट्स थर्ड जीरो इज एंड ऑप्शन माइनस 1, 1, माइनस 9 एंड 9. ये ABCD जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑप्शन.
टू ऑफ द जीरोस आर थ्री एंड माइनस थ्री, थर्ड जीरो हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे? हाँ जी देखो, ये लो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहे, एक्स प्लस वन माइनस नाइन कॉमन आ रहे, एक्स प्लस वन अगेन एक्स प्लस वन कॉमन आ रहे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री. अब ये एफ ऑफ एक्स जो भी गिवन था पॉलिनोमियल उसके फैक्टर्स बन गए, इंडिविजुअली इनको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, वी गेट द जीरो. तो ये थ्री और माइनस थ्री ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो व्हाट विल बी द थर्ड जीरो, दैट विल बी माइनस वन. तो ऑप्शन ए जो है दैट इज योर आंसर. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, जस्ट अ मोमेंट अमृत. यस बच्चे, हाँ जी मैंने कह रहा था इसमें हिट एंड रन मेथड नहीं यूज करना पहले. कर सकते हो बेटे, कर सकते हो, दैट इज योर विश. मैंने जो प्रॉपर मेथड है आपको वो बताया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा. टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस एट हमें गिवन है पॉलिनोमियल. देन वी आर टू, इसके जीरोज हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा. वी आर टू फाइंड इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन अल्फा बीटा, एंड द फोर्थ ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो. अल्फा बीटा हमें इसके जीरोज गिवन है. अब अगर आप जो हमारी ऑप्शंस हैं उनको ऑब्जर्व करो, एवरीवेयर वी आर हैविंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. निकाल सकते हैं क्या आएगा सम ऑफ जीरोस? एट बाय माइनस एट बाय टू दैट इज माइनस फोर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी दैट इज अगेन माइनस फोर. तो क्या आया यहाँ से? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा. क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि टफ होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना इनमें. ये चैप्टर बहुत इजी भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन आपका चेंज हुआ तो यू विल गेट कंफ्यूज. अब नेक्स्ट देखो, मुझे पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसके जीरोस गिवन है ए बाय आर, ए एंड ए आर. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. इफ यू ऑब्जर्व द जीरोस केयरफुली तो क्या पता लग रहा है यहाँ से? ए तीनों में है, और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीन्स आई हैव टू इलिमिनेट आर. आर कैसे इलिमिनेट हो सकता है? किनको? यस अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद ए ओनली. तो इट मींस तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या ले रही हूं मैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो. क्यूबिक में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो? माइनस बी बाय ए. ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है? ए बाय ए, ए बाय आर, ए एंड ए आर, दिस इज इक्वल टू डी क्या है? वन, और ए क्या है? दैट इज अगेन वन. तो ये माइनस वन आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन. ए क्यूब माइनस वन है तो ए क्या आएगा? दैट विल अगेन बी
माइनस वन, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन. Next, if two of the zeros of a quadratic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, इसके two zeros जो है मुझे वो given है that are equal to zero. Two of the zeros of this polynomial are each equal to zero. Then find the third zero. थर्ड जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा चलो, अल्फा जीरो हो गया, बीटा जीरो हो गया, गामा वी आर टू फाइंड. यस ऋषिप एंड मेहुल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टर्न बाय टर्न. ये जो नीचे r वाला है वो कैसे किया है बेटे? हमें ये थ्री जीरोस गिवन है, a by r, a और ar. हमें जो है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब आई हैव टू इलिमिनेट r. अब अगर मैं इसको केयरफुली ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे r जो है दैट इज इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे r न्यूमिनेटर में है. अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो r से r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तीनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मींस आई एम फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री जीरो. अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है दैट इज माइनस डी बाय ए. तो डी आपका यहाँ पे वन था, ए आपका वन था, माइनस डी बाय ए यानी कि माइनस वन. तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरो इज माइनस वन, आर से आर कैंसिल आउट होके ए क्यूब माइनस वन यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस वन. क्लियर? यस मैम. ओके नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. हियर वी आर गिवन दैट two of the zeros of this polynomial are zero, we are to find the third zero. क्या क्या होता है हमारे पास उसको चेक कर लिया करो एक बार. Either the sum of three zeros we are having or the sum of the product of two zeros, product of zeros taken two at the time, या फिर product of zero. अब अगर मैं alpha beta gamma product zero ले लेती हूँ सब कुछ हट जाएगा तो फिर क्या करेंगे, किसमें होगा? sum में. yes, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाय ए, क्यूबिक है क्योंकि. तो अल्फा और बीटा मुझे जीरो गिवन है तो मेरे पास गामा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाय ए. इनको चेक कर लिया करो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल कम टू नो कि हम क्या यूज करते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन. इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल मुझे गिवन है p of x is equal to p square minus 23 into x square minus 2x minus 12. इसका जो मुझे sum of zeros given है that is given to be 1 and I have to find the value of p. p मुझे निकालना है, क्या करें? हाँ जी, नहीं गामा नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक है तो ओनली टू जीरोस यू विल टेक, अल्फा प्लस बीटा वन. सम ऑफ जीरोस गिवन है तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहां से? माइनस बी बाय ए. क्या आ जाएगा? टू अपॉन पी स्क्वायर माइनस 23 माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वन. तो टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 23, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पी इज इक्वल टू
फिर आगे ऑप्शंस में चेक कर लेना कि प्लस माइनस गिवन है या नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट योर आंसर, यू विल मार्क योर आंसर. ऑप्शन डी इसमें हमें गिवन है, जिसमें हमें पी इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव उसने कहा, तो फिर आपने उसको ले लिया. ठीक है, क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री. क्वाड्रेटिक गिवन है अगेन. क्वेश्चंस जब भी करोगे कूल माइंडेड करना, टेंशन लेके करोगे तो सम्स सॉल्व नहीं होंगे, पेशेंस रख के करोगे तो हो जाएंगे. स्टेटमेंट दो तीन बार पढ़ना, समझ आ जाएगी अपना. दैट्स द स्पिरिट. टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है. इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर फोर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर फोर. बस ये गिवन है पॉलिनोमियल और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. हां जी, क्यों? अल्फा बीटा जब जीरोस गिवन होते हैं तो क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या आएगा सम ऑफ जीरोस? फोर आ जाएगा और प्रोडक्ट थ्री आ गया. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करें? हाँ जी, क्या कॉमन आएगा? क्या रह गया? अल्फा प्लस बीटा. अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा. अब वैल्यूज है मेरे पास, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. हो जाएगा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. पॉलिनोमियल गिवन है मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अल्फा बीटा इसके जीरोज गिवन है, सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर. जब इस तरह का गिवन होता है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको रीराइट कर लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म. क्या करेंगे इधर? वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर. चलो सम निकाल लो. अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा आ गया सी बाय ए. अब इसको सम और, हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं कर सकते. क्या करें? एलसीएम ले ले. क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, प्रोडक्ट तो मुझे मिल गया. नाउ दिस आई हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में मुझे लिखना है क्या? स्क्वायर. अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा. मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको कहाँ ले जाएंगे? इधर. क्या बन गया ये? दिस कैन बी रिप्लेस बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. नाइन्थ में किए भी हुए हैं आपने ऐसे फॉर्मूले. And now put the values and get your answer. Alpha beta है मेरे पास, alpha plus beta है, so I can find out the values. इसी तरीके से one upon alpha cube plus one upon beta cube का भी आ सकता है आपको. ठीक है, complete कर लो इसको. So after putting the values, you will get your answer after solving. Now the next
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज माइनस टू एंड फाइव. एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस माइनस टू और फाइव हैं, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज माइनस टू एंड फाइव. ऑप्शंस हैं हमारे पास वन टू थ्री या मोर देन थ्री. जीरोस क्या क्या गिवन है माइनस टू एंड फाइव. अल्फा ले लिया मैंने माइनस टू, बीटा ले लिया मैंने फाइव. अब इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बनेगा हूज जीरोस आर गिवन. सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. व्हेनेवर आई एम गिवन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हाट इज द पॉलिनोमियल. के टाइम्स ठीक है माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब ऑप्शंस है वन टू थ्री मोर देन थ्री. के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल डिफरेंट बनता जाएगा, तो कौन सी ऑप्शन आंसर आएंगे. मोर देन थ्री. वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर दिस, तो मोर देन थ्री जो है दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि इनफाइनाइट की ऑप्शन हमारे पास नहीं है. Now the next one. If the number of zeros that polynomial can have. Polynomial मुझे given है, ये ध्यान से करना. X minus two whole square plus four. The number of zeros of this polynomial can have. क्वेश्चन दोबारा सुनो. द नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस दैट दिस पॉलिनोमियल कैन हैव इज वन टू जीरो और थ्री. इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट दैट इक्वल टू जीरो. उसके फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं. तो अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट करूं ये आ गया. कैन स्क्वेयर ऑफ अ नंबर बी इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू. किसी भी नंबर का स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इट मींस ये आपकी कंडीशन जो है दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग. सो फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स दिस पॉलिनोमियल हैव एनी जीरो. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका. जीरो था बीच में, तो सी पार्ट विल बी योर आंसर. Okay, if the zeros of the polynomial of if the zeros of a quadratic polynomial are equal, अब zeros हमें equal given और polynomial given है मुझे ax square plus bx plus c और condition given है c is not equal to zero, then c and a have opposite sign. So this we will discuss tomorrow as the bell has gone. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.